Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So in this video I am going to discuss about determination of bulk density. ये बहुत commonly known thing है, but I hope बहुत misconception spreaded है. First of all, bulk density, normal density, specific gravity, these are the terminology everybody just definition के हिसाब से जानते हैं, but practically डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क डेंसिटी या डेंसिटी सेम नहीं है एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स. ठीक है, वो चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जब ओरिजिनल एस्टिमेशन के टाइम पे टोनेज कैलकुलेशन होता है ना, तब हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी से करते हैं, और अगर करेंगे क्यों करेंगे वो चीज़ जानेंगे, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सेम चीज़ नहीं है. डेंसिटी से करने से गलत होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी से करने से अलग होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. वही चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में हम लोग अभी समझेंगे. बेस्ट टर्मिनोलॉजी इसीलिए यूज होता है आजकल टनेज फैक्टर. ठीक है, और का टोटल टनेज डालने से वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई टनेज फैक्टर बोलते हैं. टनेज फैक्टर को डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या यूज होगा वो डिटरमाइन करना पड़ता है सिचुएशन के ऊपर. मैं वो देखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेंसिटी एंड व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी. डेफिनेशन के मुताबिक डेंसिटी इज ए बेसिक प्रॉपर्टी मटेरियल का, क्या है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कुछ सॉलिड मटेरियल का. लेकिन जब पोरस परमिएबल पोरस मटेरियल है, फ्रेगमेंटेड मटेरियल है, तब आप वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें पोर स्पेस में हवा रहता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग हो जाता है. So determination of an accurate density for some rock materials are not easy always, because irregular volume, porosity, moisture content, permeability of the material, these are the important factors which influence the ultimate result. So इसीलिए सब चीज को proper way में समझेंगे. ठीक है, so definition के मुताबिक, as I have told, density means mass by volume, and specific gravity means मटेरियल, जो पर्टिकुलर मटेरियल का डेंसिटी डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम का वाटर का डेंसिटी, बट पर्टिकुलर मटेरियल का बोल रहा हूँ. बट जब हम लोग रॉक मटेरियल्स का बात करते हैं ना, कोई फॉर्मेशन में पोरस परमेबल रॉक होने से वो रॉक कॉम्बिनेशन होता है, रॉक प्लस थोड़ा बहुत एयर. पोरस पोरस पोर्शन में रॉक मटेरियल्स है नहीं, है ना. फॉर एग्जाम्पल इधर कर्सर दिखा रहा हूँ, सपोज ये रॉक है, इस पोर्शन का मास ठीक है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मीन्स डेंसिटी, बट टू ऑल टूगेदर जब कंसीडर करोगे एक्चुअल इस ओनली ये सॉलिड पार्ट का अगर टोटल करोगे, ये है इफेक्टिव मास. ठीक है, एंड ये एक्चुअल टोटल वॉल्यूम. ठीक है, तो ये पोर्शन पूरा वॉइड, वॉइड का कोई मास नहीं रहता है ना. सो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है अपारेंटली, है ना. सो मास बाई वॉल्यूम थोड़ा अलग हो जाएगा ना. ये सॉलिड अगर होता, ये टोटल ब्लॉक सॉलिड होता, तब डेंसिटी अलग होता है ना, वॉल्यूम से भी चेंज हो जाता है, क्योंकि मटेरियल प्रॉपर्टी है, मास बाय वॉल्यूम मींस डेंसिटी. बट स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब दो डेंसिटी का रेशियो है. सो दो डेंसिटी मतलब इसका रेशियो डिवाइडेड बाय वाटर का रेशियो, तो इसका इसका डेंसिटी का फिक्स्ड है. लेकिन जब बल्क डेंसिटी बोलोगे, ये तो इफेक्टिवली कॉम्बिनेशन का डेंसिटी बोल रहा हो, इसका प्लस वॉइड का मिला के डेंसिटी बोल रहा हूँ. तो बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर का डेंसिटी बोलने से स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा ना. इसीलिए मटेरियल का डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम नहीं होता है ऑलवेज. कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थिंग को समझना बहुत जरूरी है. डेंसिटी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट क्या एक पर्टिकुलर मटेरियल का, जब कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल बोल रहे हो आप, बोलने के टाइम पे एक रॉक बोल रहे हो, लेकिन रियलिटी में रॉक के बीच में बहुत सारे अलग मटेरियल्स भी है, हवा है ना पूरा पार्ट में. सो इफेक्टिवली ये टोटल रॉक का डेंसिटी हो ही नहीं पा रहा है, ओनली ये पार्ट एक सिंगल पीस के हिसाब से बोलने से, यूनिट के हिसाब से बोलने से, तब अलग बात है, तब इसका डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम रहेगा. जब ऑल टुगेदर ये टोटल मटेरियल का सोचोगे, तब अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसका प्लस हवा मॉइस्चर या हवा पोरोसिटी में जो फील्ड है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ये चीज समझना है. तो वॉल्यूम में क्या क्या रह सकता है वॉइड स्पेस में, सॉलिड छोड़ के वाटर मॉइस्चर फॉर्म में या एयर, सब चीज रह सकता है ना, तब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अलग अलग हो जाएगा ना. सो इन मोस्ट केसेस इट इज नॉट द डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
but volume, which poses significant challenges in obtaining the accurate density. Correct. Mass calculation क्या बात है, इसको simple weighing machine में रखोगे mass मिल जाएगा, लेकिन जब volume calculate करोगे तब problem होगा, because ये सब porous part में जब अगर water से displace कर रहोगे water इसमें घुस जाएगा, अब इसका volume accurate आएगा ही नहीं. So volume measurement बहुत कठिन काम है, easy task नहीं है. जैसा theoretical लगता है कि इसको water में immerse कर दो, अगर टोटल इम्परवियबल है, इम्परवियस है, पोरस भी नहीं है, तब अलग बात है, तब इसको वाटर में ये करोगे, या कोई मेटल को सपोज वाटर में डिप कर रहा है तो मेटल के अंदर कोई वाटर घुसेगा नहीं ना, लेकिन जब एक्चुअल फॉर्मेशन का रॉक पोरस परमिएबल कोई रॉक का पीस को घुसाओगे, पानी में डालोगे, पानी इसके अंदर घुस जाएगा बहुत सारा, सो इफेक्टिवली पानी सोक हो जाएगा, तो अलग चीज़ हो जाएगा. तो इजीली ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. सो द डिफरेंस बिटवीन बल्क डेंसिटी एंड द पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी को बोला जाता है एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ओनली पार्टिकल पोर्शन को अलग से टोटल करो, डिवाइडेड बाई इसका जो वॉल्यूम है करो, ठीक है, इसी पोर्शन का सपोज एम एस, यहाँ से इसका तो इफेक्टिवली ओनली इसको प्लस प्लस करो पार्टिकल्स को, मान लो इतना है प्लस, टोटल मास इतना है तो वॉल्यूम भी इतना ही है ना, सो एम एस बाई बी एस, ये है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है. सो यही मटेरियल का सेम चीज का एक्चुअली ये पार्टिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाय वन, बिकॉज वाटर का सपोज वन है, सो इट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये मटेरियल का एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके हिसाब से होता है. लेकिन बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा टोटल मास, तो टोटल मास मीन्स एम एस ही रहेगा, बिकॉज हवा का वॉइड स्पेस का जीरो होता है ना, सो एम एस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो काफी ज्यादा है तो डेंसिटी अलग हो जाए. हवा का जीरो इन द सेंस इतना छोटा पीस सैंपल में वो एक्चुअली जीरो होता है, इफेक्टिवली नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए जीरो, ठीक है. देयरफॉर द पार्टिकल डेंसिटी इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पार्टिकल मास, दिस इज द पार्टिकल मास, डिवाइडेड बाय द पार्टिकल वॉल्यूम, दिस इज द पार्टिकल वॉल्यूम, ठीक है, एंड डज नॉट इंक्लूड द वॉइड्स विद इन द मटेरियल, वॉइड्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं. सो ये पार्टिकल डेंसिटी डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम का वाटर का डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी. लेकिन बल्क डेंसिटी का सेम वॉल्यूम का वाटर को क्या बोलेंगे, सेम वॉल्यूम का तो वाटर को रिप्लेस करेगा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये वॉल्यूम का ना इफेक्टिवली अल्टीमेटली यही चीज वाटर को डिस्प्लेस करता है, जितना ये वॉल्यूम होता है, ठीक है. नेक्स्ट, तो फिर क्या करे, तो क्या करे, जब इंटेंसली टोटली सॉलिड बहुत इजी है, वाटर को रिप्लेस कर देगा, लेकिन जब बहुत फ्रैगमेंटेड पीस, इरेगुलर शेप, ये सब चीज होने से तब प्रॉब्लम होता है. सो टुडेज नाउडेज देयर आर सेवरल ऑटोमेटेड एंड मैनुअल मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग बोथ बल्क एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसका लिमिटेशन है, बहुत छोटा सैंपल में, छोटा लेवल में करते हैं, पाउडर सैंपल, जैसे हीलियम पिकनोमीटर बहुत कॉमन है, बहुत स्टैंडर्ड है, बट उसमें इंडस्ट्री में हम लोग जब ओल्ड रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं या जब ड्रिल में एक्सप्लोरेशन में ना जब ये करते हैं उस टाइम में ज़्यादा यूज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ड्रिल कोड का जो सैंपल का लेंथ होता है ना उस हिसाब से ये बना नहीं. एंड मोर ओवर कोड का भी रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप का कोड हो सकता है, कभी बहुत सॉलिड कोड, कभी टोटली सॉइल या पाउडर कोड, कभी मिक्स्ड फ्रेगमेंटेड पीस एंड पाउडर का मिक्स जो है सॉलिड का, उस टाइप का कोड, तो सभी का अलग अलग कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे. सो देर इज नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फिक्स बाई जिसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं एएसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, देर हैव नॉट इट फिक्स, बिकॉज फिक्स हो कैसे कर पाएगा, बिकॉज मटेरियल टू मटेरियल प्रोसेस डिफरेंट चेंज होगा. सो रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक कोर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एज सच नहीं है, बट इन जनरल जैसे स्टैंडर्ड कैलिपर, अगर प्रॉपर सिलिंड्रिकल कोर मिलेगा तो स्लाइड कैलिपर से हम लोग जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, प्रॉपर एकदम फ्रेश एंड कोई पोरोसिटी परमियबिलिटी या डिफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तब ये बहुत यूजफुल होता है, वॉल्यूम हो जाएगा उसको इमर्स करने के हो जाएगा एंड वॉल्यूम हो जाता है. अदरवाइज वाटर इमर्शन हो सकता है, वैक्स कोटिंग, जैसे जब बहुत पोरस परमिएबल रहता है या फ्रेगमेंट मतलब जो कोर है ना, कोर सॉलिड है लेकिन उसमें थोड़ा पोरस है, वाटर सोक कर सकता है,
तब हम लोग वैक्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप का पैराफिन, कुछ पर्टिकुलर स्पेशल वैक्स मिलता है, वो मोम से ना उसको चारों तरफ घेर देते हैं, उसको कोटिंग दे देते हैं। फिर कोटेड मटेरियल को मोम का अलग से हम लोग, उसका प्रॉपर्टी हमको नोन है, कितना बिफोर कोटिंग एक मास मेजर करोगे, मोम से कोट करके मास मेजर करोगे, एंड देन उसको डीप करके देख लेना है, सभी को माइनस कर देना है कितना कोटेड वैक्स कितना वॉल्यूम है, अकॉर्डिंगली आप वाटर सोकिंग भी प्रोटेक्ट कर पाया, वैसा करके होता है। अदर लेसर नोन मेथड्स भी है, बट ये सब ज़्यादा पॉपुलर, इजीली इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। सो देर आर सम इशूज इन्वॉल्व इन मेथड्स यूज टू मेजर द बल्क डेंसिटी ऑफ रॉक कोर। कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है, वो क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए फर्स्ट हमको क्राइटेरिया समझना है। देखो चार क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है, जब भी बल्क डेंसिटी कर रहे हो, किस फॉर्म में कोर है, किस टाइप का रॉक है, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ग्राफाइट, सपोज हार्ड ग्रेनाइट का कोर है, एक टोटली फ्रॉगमेंटेड ग्राफिटिक सिस्ट का है, या कोई टोटली ऑल्टर्ड बॉक्साइट टाइप का कोर है, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट यूज होगा। फर्स्ट द मेथड मस्ट नॉट कॉज डैमेज टू द कोर इफ एडिशनल टेस्टिंग नीड्स टू बी कंप्लीटेड एट ए लेटर स्टेज और डेट। सो क्या है, हमारा जब भी बल्क डेंसिटी करना होगा वैसा डिस्ट्रक्टिव नहीं होना है, वो तो जनरली नेचुरली वो कोर को आप यूज ही नहीं कर पाओगे आफ्टर मेजरमेंट, तब तो गया, तो ये चीज ध्यान रखना है। सेकेंडली द मेथड मस्ट नॉट कॉन्टामिनेट द कोर, ये जैसा वैक्स बोल रहा था, स्पेशल वैक्स चाहिए, क्योंकि वैक्स जब आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ डेंसिटी में जब वैक्स खुल के पूरा निकल के आ जाएगा, ऐसा टाइप का स्पेशल वैक्स मिलता है, पूरा मोल्ड एक कास्ट टाइप का ओपन वही आउटलाइन लेके निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं कि चिपक के अंदर का मटेरियल का पार्ट हो जाएगा, वैसा करके नहीं। थर्ड द मेथड नीड्स टू प्रोवाइड ए क्विक एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन ऑफ रॉक कोर्स डेंसिटी एंड बी एप्लीकेबल टू वाइड वैरायटी ऑफ रॉक टाइप्स, ऐसा नहीं कि इतना डिफिकल्ट कंबर्सम प्रोसेस कर दिया कि जिसमें एरर होने का भी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, वैसा होने से भी मुश्किल है, क्योंकि फील्ड का काम है ना ये सब, क्योंकि आपका कोर जब रेडी है डेंसिटी मेजर करके फटाफट सैंपल करके रिटर्न एनालिसिस में आता है, डेंसिटी के लिए ही 10 दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। फोर्थली द मेथड मस्ट प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एज वेल एज प्रिसाइज डेटा, बिकॉज रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है ना। सो देयर आर नो कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड्स टू फॉलो, आपको समझना है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी, आपको खुद को समझना है बात को, एक एक टाइम पे सब जगह पे स्पून फीडिंग नहीं होता है ना। तो अगर आप जियोलॉजी से मोहब्बत करते हो, आप यू विल ऑटोमेटिकली गाइड योरसेल्फ। ए सैंपल विद वेरी लार्ज सरफेस पोर्स विल नीड टू बी ट्रीटेड इन ए डिफरेंट मैनर दैन ए सैंपल कॉम्पोज ऑफ लिटिल और नो ओपन पोर स्पेस ऑन द सर्फेस ऑफ द सैंपल। पोरोसिटी क्या है ना, कभी कभी सरफेस में भी कोर का सरफेस में डॉट्स डॉट्स होल्स रह सकता है, या फिर इंटरग्रैनुलर स्पेस में भी रह सकता है, जैसे कि इधर दिखा है ना फोटो, ये देखो इधर क्या है, ये इंटरग्रैनुलर है, ये देखो सरफेस का पोर है ना, इसमें वाटर परकुलेट कर सकता है, इसमें सपोज हेड नहीं करेगा, इसमें पहले से मॉइस्चर है या हवा एयर है, इन ये सब में वाटर सोक कर सकता है। सो दो टाइप का ही पोर है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो सब दोनों चीज़ को आपको समझना चाहिए। Likewise, almost impermeable rocks will require different testing than highly permeable rock samples. So porosity and permeability अभी समझा दिया ना, interconnected pore होने से permeable बोलते हो। So अभी देखो solid core होने से क्या है ना, आपको ये चार process बहुत, इसमें डिटेल में घुसूंगा नहीं, caliper method, instantaneous water immersion, wax immersion, ये standard method से ठीक है, मेथड्स को थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। सॉलिड कोर को सिंपल पैराफिन या वैक्स से ढक के कोर का सैंपल, अगर कोई पोरोसिटी नहीं है तो डायरेक्ट वाटर में इमर्स करो, पहले वाटर सॉलिड कोर का ड्राई सॉलिड कोर का वेट ले लो, फिर उसको अगर कोई पोरोसिटी परमेबिलिटी नहीं है इन दैट केस उसको वाटर में इमर्स करो, आपका जो सिलेंडर रहता है ना मार्क सिलेंडर जिससे आपको वॉल्यूम मेजरमेंट होता है, तो डायरेक्ट वॉल्यूम का चेंज आप दिख पाओगे वाटर सैंपल को वाटर में डीप करने से, वो वॉल्यूम का चेंज देखने से आपका पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम है उसका कोर का, जो टोटली पोरस परमेबल है नहीं, तो वो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो मास, मास डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम, मास तो कैलकुलेट कर लिया ड्राई में,
वो हो जाएगा डायरेक्ट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी। पोरोसिटी परमिटिविटी नहीं है तो उसको डेंसिटी इक्विवेलेंट टू स्पेसिफिक कैविटी बराबर है, लेकिन अगर कोर बहुत ही फ्रैगमेंटेड है या पीसेस है, जैसे कि इधर देखो ये टोटल सॉलिड कोर है, तब तो प्रॉपरली हो जाएगा 100%। वेट जो होगा वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। इधर देखो तो मिनरल्स सॉलिड वुड वेट 1.33 ग्राम व्हेन ड्राई एंड इज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग पार्टिकल डेंसिटी बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इधर देखो इधर क्या है, ये सॉलिड का जो है ना 2.66 एंड वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, बट ऑन क्यूबिक सेंटीमीटर। हियर वॉल्यूम तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेकिन वेट कम हो जाएगा ना, बिकॉज देखो बहुत सारा पोर स्पेस है। एक्चुअली रॉक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी क्या है, 2.66 ग्राम पर cc है, सेम मटेरियल है बट इसका फ्रैगमेंटेड है। सो एक्चुअली अगर ओनली सॉलिड को कंसीडर करोगे इतना आ रहा है, यही एक्चुअल वॉल्यूम है, हाफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑल टुगेदर है ना, कोर प्लस ये 50% सॉलिड 50% कोर है। सो रियलिटी में इसका एक्चुअल पार्टिकल वॉल्यूम क्या है, हाफ है ना। सो बात देखो सेम है, बल्क डेंसिटी क्या होगा ड्राई वेट में 1.33 डिवाइडेड बाय 1 करना है, बिकॉज वेट तो 1.33 है, सो 1.33 ग्राम पर cc आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या है, मटेरियल का 1.33 ग्राम है, बट वॉल्यूम भी रियलिटी में हाफ है, तो रियलिटी में 2.66 ही होना चाहिए था, ठीक है ना। जब तो फिर तीन चीज है, देखो तीन टाइप का जब टोटल इस टाइप का फ्रैगमेंटेड एकदम फाइन ग्रेन सॉइल टाइप का या सैंडी टाइप का, तब आप डायरेक्ट बॉक्स में तो या सिलिंड्रिकल, इसका नोन वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम में सैंपल को डाल के बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, प्रॉपरली फिल करके इसमें, या क्यूब सेपरेट भी होता है, सिंपल बात है, जो कंटेनर इसको वॉल्यूम नोन है वो वॉल्यूम का टोटली फिक्स फिल करना है, उसको फिल करके क्लोज करके उसको ड्राई कर लेना है, फिर टोटल ड्राइड सैंपल्स का अलग से वेट करो, कंटेनर का वेट करो, माइनस कर दो, तब आ जाएगा है ना। बट मटेरियल अगर मिक्स्ड है 10% या 20% से ज़्यादा, बड़ा बड़ा चिप्स है, ग्रेवल्स है, तब ये कॉन्वेंशनल मेथड से नहीं होगा। तब आपको क्या ट्रिकी है, तब आपको बड़ा बड़ा पीस को डिफरेंट सेपरेट कर लेना है, सेपरेट करके उसको पैराफिन से, जैसा जो पैराफिन मेथड बोला, आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो, इसको जस्ट पैराफिन वैक्स से अलग अलग बड़ा बड़ा पीस को करके तब उसको वाटर में इमर्स करो, कितना कितना आ रहा है वो डिफरेंस के आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। उसका कैलकुलेशन का क्या प्रोसेस है देख लो, जैसे कि सिंपल सिलेंडर प्लस ड्राई मटेरियल या सॉयल का, क्योंकि जब सॉयल है तब तो करोगे ना, ये बहुत फाइन जब हो जाएगा कोर रिकवरी नहीं हो रहा है उस टाइप का सिचुएशन में, तो टोटल माइनस ओनली सिलिंड्रिकल जो कंटेनर का वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मॉइस्चर कंटेंट सिमिलरली क्या होगा, फ्रेश सॉयल माइनस ओवन ड्राई सॉयल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉयल। सो ये है। फिर पोरोसिटी क्या है, सिंपल पार्टिकल डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी, दैट इज 1 - बल्क डेंसिटी बाय पार्टिकल डेंसिटी × 100 ये परसेंटेज में। सो पोरोसिटी ऑलरेडी हम ऑलरेडी पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में डिस्कस किया ना, बल्क पार्टिकल डेंसिटी का ही इक्विवेलेंट टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी जब वाटर के हिसाब से करते हो, ठीक है ना। जब मेथड जब मिक्स मटेरियल है तब क्या करोगे, उस टाइप का सिचुएशन में आप अलग से एक डार्क वेल छोटा सा डिग करो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का चाहो तो, हाँ उसको एक्सकवेट करके एक्सकवेटेड मटेरियल को लेके बहुत अच्छी तरह ड्राई करो, ड्राई करके उसको वेट ले लो, और जो एक्सकवेटेड होल किया ना वो होल को पॉलीथीन से पूरा ढक दो, वो पॉलीथीन घुसा के ऐसा ठीक वेल का शेप में पॉलीथीन आ जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप में पॉलीथीन को घुसाओ, फिर उसमें नॉन वॉल्यूम का वाटर डालते रहो, जब फील हो जाएगा तब पता चल गया इतना वॉल्यूम है आपका एक्सकवेटेड होल का, है ना। फिर वो एक्सकवेटेड मटेरियल का आप अलग से ये करो, आफ्टर वो जो कोर्स मटेरियल को रिमूव करके फाइनल मटेरियल का ड्राई करके वेट कर लो, तो सभी चीज़ का वेट कर लो, कोर्स मटेरियल का सेपरेट करके ड्राई ड्राई करके फाइन का,
सभी का अलग अलग से डेंसिटी मेजर करके आप सभी को आइडिया हो जाएगा। तो रियलिटी में यही तो प्रॉब्लम होता है, जब कुछ एरिया में सपोज ग्रैफिटी टेरेन में काम करते हो, सब शुरू में अपर लेयर में आप जब ड्रिलिंग करोगे बहुत फाइन सॉइल टाइप का मटेरियल आएगा, इसका तो डेंसिटी मेजर अलग प्रोसेस से करना पड़ेगा। फिर बीच में मिक्स ब्रोकन पार्टिकल्स एज वेल एज चिप्स एज वेल एज थोड़ा थोड़ा एकदम सॉइली मटेरियल, और उसके बाद टोटली सॉलिड कोर मिलेगा। तो ये तीनों जगह पे अलग अलग स्टाइल में स्ट्रेटेजी में आपको करना पड़ता है, एंड इस मिक्स जोन में दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ना। जब अलग अलग ग्रेन को सारा सेपरेट करके अलग से फाइनल मटेरियल को कर लेना है, वॉल्यूम को प्रॉपर वे में कर लेना है, जो जो प्रोसेस बोला अकॉर्डिंग टू दिस। तो यही है, सबसे टॉप में जब इस टाइप का जब मिलेगा आपको अलग से जस्ट इसमें बॉक्स में तो बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसका ये टोटली सपोज फाइनर मटेरियल है ना, ये बॉक्स में ज़्यादा पोर्स नहीं मिलेगा, इस टोटली फाइनर ये पाउडर है। बॉक्स को पूरा फिल कर लो, फिर ड्राई कर लो, फिर बॉक्स का वेट कर लो, बॉक्स का तो नॉन वॉल्यूम है ना। सो फील्ड ड्राइड करने के बाद फील बॉक्स फील का वजन ले लो माइनस एम्प्टी बॉक्स का वजन ले लो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो ये मटेरियल का वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारा पोर स्पेस नहीं रहेगा, रिलेटिवली कम रहेगा। लेकिन अगर इस टाइप का मटेरियल है, ये इस जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, बहुत सारा देखो वो ब्रोकन पार्टिकल्स है, नाइदर सॉलिड कोर नॉर इस टाइप का पूरा फाइन मटेरियल, ये क्रस्ट मटेरियल है, तब प्रॉब्लम होता है। तब इंडिविजुअल क्रस्ट पीस को अलग करो, उसको पैराफिन से प्रॉपरली करो, जैसे कि सॉलिड कोर के यूज करते हो वैसा करके करो, और फाइनर को अलग से सेपरेट करके बॉक्स में डाल के टोटल क्वांटिटी अगर ठीक होगा उस टाइप का सिचुएशन में वो करना पड़ता है। बट पॉइंट इज दैट आपको व्हाई यू शुड, अगर ऐसा कोर रिकवरी हो रहा है आप इधर से ही करोगे ना, डेंसिटी तो सब जगह का करने का जरूरत नहीं, आप इस पोर्शन का प्रेफरेबली डायरेक्ट डेंसिटी मेजर करोगे है ना, और मैक्सिमम इफेन व्हेन रिकवर्ड अगर टोटल फॉर्मेशन ऐसा टाइप का है तब इस जगह का करो, और अगर टोटल फॉर्मेशन ऐसा टाइप का है इन दैट केस आपको सोच समझ के करना है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।